नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। अगर आप 90 के दशक में क्रिकेट देखते रहे होंगे तो एक नाम आपके जहन में भी रह रहकर जरूर आता रहता होगा, जिसके बिना भारत की वनडे टीम अधूरी सी लगती थी। हम बात कर रहे हैं रॉबिन सिंह की। लेकिन ये बात आप शायद ही जानते होंगे कि रॉबिन सिंह भारत के रहने वाले नहीं थे, तो फिर एक विदेशी लड़का भारतीय टीम की जान कैसे बन गया। आज हम रॉबिन सिंह के जीवन के कुछ ऐसे ही अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। रॉबिन सिंह का असली नाम रविंद्र राम नारायण सिंह था। रॉबिन का जन्म 14 सितंबर 1963 को प्रिंस टाउन त्रिनिनाद एंड टोबैगो में हुआ था। दरअसल रॉबिन सिंह के पूर्वज भारत के ही रहने वाले थे और करीब 150 साल पहले वेस्ट इंडीज में जाकर बस गए थे। रॉबिन ने क्रिकेट भी त्रिनिनाद में ही खेलना शुरू किया। रॉबिन जितने पढ़ाई में अच्छे थे उतना ही अच्छा क्रिकेट भी खेलते थे। अपनी पढ़ाई के दौरान रॉबिन कई क्लबों की ओर से क्रिकेट खेला करते थे। इसी क्रम में एक बार भारत से हैदराबाद ब्लू नाम की एक टीम वेस्ट इंडीज में टूर्नामेंट खेलने के लिए गई। उस टूर्नामेंट में रॉबिन सिंह भी हिस्सा ले रहे थे। इनकी टीम का मुकाबला हैदराबाद ब्लू के खिलाफ हो रहा था। इस मैच में रॉबिन ने शानदार प्रदर्शन किया। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए हैदराबाद ब्लू टीम के एक सदस्य इब्राहिम ने उन्हें भारत आने का न्योता दे दिया। रॉबिन ने त्रिनिनाद यूथ टीम को 1982 में लीड भी किया था और सीनियर त्रिनिनाद टीम के वो दो वनडे मैचों में भी खेले थे। उस समय उनके साथ ही फिल सिमंस, डेविड विलियम्स, लैरी गोम्स और रिचर्ड ग्रेबियल जैसे दिग्गज खिलाड़ी खेलते थे। आखिरकार रॉबिन को अपनी पढ़ाई के सिलसिले में साल 1982 में भारत आना ही पड़ा। रॉबिन ने मद्रास की यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री लेने के लिए एडमिशन ले लिया, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ही उन्होंने क्रिकेट खेलना भी जारी रखा और अपनी शिक्षा के दौरान वो कई क्लबों की ओर से क्रिकेट खेलते। इसके बाद रॉबिन लगातार शानदार प्रदर्शन करते रहे और साल 1985 में तमिलनाडु की रणजी टीम में उनका चयन हो गया और पहले ही साल से रॉबिन बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन करने लगे। रॉबिन बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे और मीडियम पेस गेंदबाजी करते थे, लेकिन उनमें जो सबसे कमाल की चीज थी वो थी उनकी फील्डिंग, क्योंकि ये वो दौर था जब टीम में मैच जिताने की जिम्मेदारी सिर्फ बल्लेबाज और गेंदबाजों की होती थी और फील्डिंग को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन रॉबिन अपने चीते जैसी फुर्ती और फील्डिंग से अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने लगे और फील्डिंग के क्षेत्र में एक नया आयाम बनाने लगे। एक ओर वो जबरदस्त कैच पकड़ रहे थे और दूसरी ओर ग्राउंड फील्डिंग में ढेरों रन बचाते थे। अब उनका हरफन मौला प्रदर्शन लोगों की नजर में आने लगा और चयनकर्ताओं को भी लगा कि इस लड़के में कोई ना कोई बात तो जरूर है। फिर आया 1988 का रणजी सीजन। इस साल रॉबिन ने पूरे सीजन में गजब का प्रदर्शन किया और उस साल रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत तमिलनाडु की टीम उस साल रणजी चैंपियन बनी। उनके लिए भारतीय टीम के दरवाजे तो खुल रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के लिए उनका रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि अभी भी रॉबिन के पास भारत की नागरिकता नहीं थी। दरअसल रॉबिन को भारत की नागरिकता ही काफी देर से मिली। काफी प्रयास के बाद आखिरकार साल 1989 में उन्हें भारत की नागरिकता मिली और उसी साल 1989 में वेस्टइंडीज टूर के लिए जा रही भारतीय टीम में उनका चयन भी हो गया और उन्होंने अपने ही देश यानी वेस्टइंडीज के खिलाफ वेस्टइंडीज की जमीन पर भारत की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला। इस दौरे पर तीसरे वनडे मैच में रॉबिन को भारत की कैप पहनने का गौरव हासिल हुआ। हालांकि इस मैच में रॉबिन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। पहले बैटिंग करते हुए वो सिर्फ 5 गेंद खेलने के बाद 3 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद गेंदबाजी में भी उन्हें मात्र 8 गेंद ही फेंकने का मौका मिला, जिसमें वो कुछ खास नहीं कर सके। फिर अगले मैच में उन्होंने 14 गेंदों पर 10 रन बनाए और गेंदबाजी उन्हें नहीं मिली। इसके बाद रॉबिन टीम इंडिया से बाहर हो गए, लेकिन जीवटता के धनी रॉबिन ने हिम्मत नहीं हारी और घरेलू क्रिकेट में अपना प्रदर्शन बेहतरीन करने की कोशिश करने लगे। इस बीच उन्होंने घरेलू और विदेशी लीग में खुद को साबित किया और लंबे इंतजार के बाद 33 साल की उम्र में 1996 में टाइटन कप के लिए उनका भारतीय टीम में चयन हो गया। सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन ये सच है कि आजकल जिस उम्र में खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की सोचने लगते हैं, उस उम्र में रॉबिन ने अपने क्रिकेट करियर की एक नई पारी का आगाज किया और ऐसे माइलस्टोन स्थापित किए जिससे रॉबिन हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में बस गए। उन दिनों रॉबिन की वही भूमिका होती थी जो इस समय महेंद्र सिंह धोनी की होती है। मतलब अगर रॉबिन सिंह मैदान में मौजूद हैं तो परिस्थितियां कितनी ही विकेट क्यों ना हो,
हर क्रिकेट प्रेमी की उम्मीद रॉबिन सिंह पर टिकी होती थी, और अगर रॉबिन आउट हो जाते थे तो भारत में टीवी और रेडियो बंद हो जाया करते थे। तो चलिए बात करते हैं रॉबिन सिंह किस तरह से साल 1996 के बाद अगले 4-5 सालों तक भारतीय टीम की जान बने रहे। तो जब रॉबिन सिंह को टाइटन कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया तो उन्हें टीम में जगह बनाने के लिए 9वें मैच तक इंतजार करना पड़ा। आखिरकार उन्होंने मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में खेलने का मौका मिला, लेकिन यहां भी रॉबिन की किस्मत दागा दे गई और रॉबिन सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 2 विकेट झटक लिए, जिसकी बदौलत उन्हें फाइनल में भी खेलने का मौका मिला, और उन्होंने फाइनल में भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 10 ओवर में 40 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए और भारत की ऐतिहासिक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद रॉबिन भारतीय टीम में पूरी तरह स्थापित हो गए और बहुत ही कम समय में टीम की जान बन गए। चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, रॉबिन भारत के लिए संकट मोचन बनकर सामने आते थे, और उस दौर के युवा तो फील्डिंग में रॉबिन को ही अपना आदर्श मानने लगे। उन्हें भारत का जोंटी रोड्स कहा जाने लगा। उन्होंने अपने दम पर कई बार भारतीय टीम को जीत दिलाई, लेकिन उनकी जो पारी क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूल पाएंगे वो है ढाका में साल 1998 में सिल्वर जुबली कप के फाइनल में खेली गई पारी। इस मैच में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 48 ओवरों में जीत के लिए 315 रन बनाने थे और रॉबिन ने 82 गेंदों पर 83 रनों की पारी खेली और सौरभ गांगुली के साथ मिलकर टीम की जीत तय की। ऐसी ही तमाम जीत रॉबिन ने भारत के नाम की। लगभग 5 सालों तक लगातार खेलने के बाद 38 साल की उम्र में रॉबिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। रॉबिन ने अपने क्रिकेट करियर में टीम इंडिया के लिए 136 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 25.95 की औसत से 2,336 रन बनाए और 69 विकेट भी लिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 137 मैचों में करीब 6,997 रन बनाए और 172 विकेट लिए। रॉबिन ने भारत के लिए एक टेस्ट मैच भी खेला है। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद रॉबिन सिंह ने क्रिकेट में कोचिंग देने का सिलसिला शुरू किया और ये पिछले 15 सालों से कोचिंग का काम कर रहे हैं। वो साल 2007 से 2009 के दौरान टीम इंडिया के फील्डिंग कोच भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, इंडिया अंडर 19 और इंडिया ए टीम को भी कोचिंग दे चुके हैं। साथ ही अलग अलग T20 लीग में भी वो कई टीमों के लिए कोचिंग की भूमिका में रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के असिस्टेंट कोच से लेकर कैरिबियाई प्रीमियर लीग में बारबाडोस ट्राइडेंट्स की टीम में भी कोचिंग देने का काम रॉबिन कर चुके हैं। इन सब के अलावा उन्होंने IPL में डेक्कन चार्जर्स के लिए भी कोचिंग की थी। अभी हाल ही में रॉबिन ने भारतीय टीम के हेड कोच बनने के लिए भी आवेदन किया था, हालांकि उन्हें हेड कोच बनने का मौका नहीं मिला। रॉबिन अपने क्रिकेट करियर में हमेशा एकदम फिट और अच्छे रहे हैं और नारा टीवी की टीम उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।